हेलो दोस्तों मैं हूं हूकाशदीप वर्मा हिंदी वॉइस नोट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग ज्वालामुखी के उद्गार की प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखी का विभाजन और ज्वालामुखी के आधार के पर ज्वालामुखी का विभाजन के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा था अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है और अभी तक आपने हमारे चैनल हिंदी वाइस नोट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हमारे नोट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं दरारी उद्गार देखिए इस प्रकार में आते हैं आइसलैंड टूल ज्वालामुखी देखिए इस प्रकार के ज्वालामुखी का निकास दरार के माध्यम से होता है आइसलैंड टूल ज्वालामुखी का निकास जो होता है वह दरार के माध्यम से होता है जिसके कारण इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं वह ज्यादा विस्फोटक नहीं होते और इस प्रकार के जो ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा है उसकी प्रकृति होती है छारी छारी प्रकृति के लावा इस प्रकार के ज्वालामुखी में निकलते हैं जिसके कारण इसका फैलाव ज्यादा रहता है और ऊंचाई कम रहता है देखिए इसी प्रकार के ज्वालामुखी के द्वारा ज्वालामुखी पठारों का निर्माण होता है जैसे कि एग्जाम्पल है दक्कन का पठार दक्कन का पठार दरारी उद्गार ज्वालामुखी के द्वारा बना हुआ है उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केंद्रीय उद्गार देखिए इसमें केंद्रीय उद्गार में पहला है हवाई तुल्य ज्वालामुखी देखिए इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं हवाई तुल्य जो ज्वालामुखी होते हैं वह कम विस्फोटक होते हैं और इस प्रकार के ज्वालामुखी में छारी लावा का निकास होता है जिसके कारण कम ऊंचा तथा मंद ढाल वाली स्थलाकृतियों का निर्माण हवाई तुल्य ज्वालामुखी में होता है और इस प्रकार के ज्वालामुखी को शिल्ड प्रकार के ज्वालामुखी कहा जाता है हवाई तुल्य ज्वालामुखी को शिल्ड प्रकार का ज्वालामुखी भी कहा जाता है फिर दूसरा है स्ट्रोम बोली तुल्य ज्वालामुखी दिखे ये ज्वालामुखी बहुत कम विस्फोटक होते हैं और इसमें अम्ली लावा का निकास होता है जिसके कारण ऊंची एवं तीव्र ढाल वाली स्थल कृतियों का निर्माण होता है देखिए अम्ली लावा का इस प्रकार के ज्वालामुखी में निर्माण होता है जिसके जिसके कारण कारण यह थोड़ा गाढ़ा होता है है सिलिका की मात्रा इसमें इसमें ज्यादा होती ऊंची एवं तीव्र ढाल वाली स्थल कृतियों का निर्माण होता है और इस स्टम्बोली तुल्य ज्वालामुखी को बार बार उद्गार होने के कारण भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है उसके बाद देखते हैं वेलकोनो तुल्य ज्वालामुखी देखिए इसका नामकरण वेलकोनो ज्वालामुखी के नाम के आधार पर किया गया है जो स्थित है इटली के लिपारी द्वीप में देखिए इसका नाम वेल्कोनो ज्वालामुखी के आधार पर रखा गया है जो लिपारी द्वीप में स्थित है देखिए इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं वह विस्फोटक होते हैं इसमें लावा के साथ साथ राख युक्त गैस निकलती है जो ऊपर उठकर काले बादल का रूप ले लेती है और यह फूलगोभी का आकार भी ऊपर में बनाती है जो इससे धुएं निकलते हैं वह ऊपर में फूलगोभी का आकार भी इस प्रकार के आकार का कर निर्माण करती है देखिए लावा के साथ राखयुक्त गैस निकलती है जो ऊपर उठकर काले बादल के रूप में फैलकर फूल गोभी का आकार ले लेती है उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ज्वालामुखी देखिए इसका नाम रोमन विद्वान के नाम पर रखा गया है पहुंच जाते हैं इस प्रकार के ज्वालामुखी अत्यधिक विनाशकारी होते हैं उसके बाद देखते हैं पिलियन ज्वालामुखी देखिए नाम बहुत मिलता जुलता है आप थोड़ा सा बस अंतर है उसको ध्यान रखिए देखिए इसका नामकरण कैरिबियन सागर के मार्टनिक द्वीप पर स्थित पीली ज्वालामुखी पर्वत के आधार पर रखा गया है और इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं वह अत्यधिक विस्फोटक होते हैं उसके बाद ज्वालामुखी के प्रकार देखते हैं सक्रियता के आधार पर उद्गार अवधि के आधार पर इसका हम लोग विभाजन करते हैं इसमें हम लोग तीन पार्ट में पढ़ेंगे पहला है सक्रिय ज्वालामुखी दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है मृत ज्वालामुखी तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जिससे लगातार विखंडित पदार्थ निकल रहे हैं वे ज्वालामुखी जो जीवित हैं जिससे लगातार लावा तथा विखंडित पदार्थ निकल रहे हैं वे सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जो पहले सक्रिय थे अर्थात पहले उससे विखंडित पदार्थ निकल रहे थे लेकिन अभी वे सक्रिय नहीं है और आने वाले समय में सक्रिय होने की संभावना है वे ज्वालामुखी जिससे लगातार विखंडित पदार्थ पहले निकल रहे थे अभी नहीं निकल रहे अभी वो बंद है अभी वह मृत है लेकिन आने वाले समय में वह जिंदा हो सकते हैं विखंडित पदार्थ निकल सकते हैं वे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं फिर है मृत ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी जिससे पहले विखंडित पदार्थ निकल रहे थे और आने वाले समय में विखंडित पदार्थ नहीं निकलेंगे वे ज्वालामुखी जो कई वर्षों से उद्गार नहीं हुए हैं पहले वह जीवित थे लेकिन अब वह बंद हो गए उससे विखंडित पदार्थ निकलना बंद हो गया और आने वाले समय में भविष्य में भी उससे विखंडित पदार्थ निकलने की कोई संभावना नहीं है ठीक है तो एक बार और इसको देखिए सक्रिय ज्वालामुखी जो भी सक्रिय है जिससे विखंडित पदार्थ निकल रहे हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी जो अभी सक्रिय नहीं है लेकिन आने वाले समय में सक्रिय हो सकते हैं मृत ज्वालामुखी जो, जो पहले सक्रिय थे और आने वाले समय में सक्रिय नहीं होंगे वह मृत हो चुके हैं उससे आने वाले समय में किसी भी प्रकार के विखंडित पदार्थ निकलने की कोई संभावना नहीं है वो मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं तो इस पार्ट में इतना ही धन्यवाद